नमस्कार, मैं खबरीलाल जनार्दन और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज हिंदी। कर्नाटक में मैदान सज चुका है, सारे सैनिक अपने जगहों पर बिठा दिए गए हैं। बीजेपी ने मैदान जीतने के लिए करीब 10 लाख कार्यकर्ता मैदान में उतारे हैं। असल में भारत को भगवामय करने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है इस भगवामय करने में, वो है कर्नाटक। इस बार जीतने के लिए बीजेपी ने कर्नाटक के 4.96 करोड़ मतदाताओं के पीछे अगर कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो पाएंगे कि करीब 9.92 करोड़ कार्यकर्ता मैदान में उतार दिए हैं। तो ये 10 लाख लोग कौन से हैं जो कर्नाटक में काम कर रहे हैं, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे आज। कि बीजेपी, आप टीवी में देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, अमित शाह भाषण दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है साहब कि इस बार चुनाव अमित शाह और मोदी के दम पे नहीं लड़ा जा रहा है, चुनाव इस बार अर्धपन्ना प्रमुख के दम पे लड़ा जा रहा है। बीजेपी का मतलब लोग कर्नाटक में बीएस येदुरप्पा समझते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने वहां चुनाव प्रचार में बीएस येदुरप्पा को एक तरफ रखा है और अपनी चुनाव प्रणाली, जिसके दम पर उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता 2014 में, जिसके दम पर उन्होंने 2017 का यूपी चुनाव जीता जबरदस्त बहुमत से, वे प्रणाली वे लेकर के गए हैं कर्नाटक में इस बार। तो उस तरफ चलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं वहां पे, इस बारे में चलते हैं। तो जब हम करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री, कुल कर्नाटक में 30 जिले हैं, उन 30 जिलों में बीजेपी ने अपने 30 केंद्रीय मंत्री लगाए हुए हैं, उनको जिम्मा सौंपा हुआ है। वे लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, तो वे लोग ये कर रहे हैं कि वे चुनाव प्रबंधक, ये मुरलीधर राव राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, उनको अपनी राय मशवरा देंगे। जो अभी लिस्ट जारी की गई है, कैंडिडेट जारी किए गए हैं, वे कैंडिडेट बनाने में समझदारी निभाएंगे कि कौन से वे लोग होंगे, और साथ साथ में चुनाव प्रबंधक से तालमेल में बैठे रहेंगे। अब इसमें जो सबसे प्रमुख भूमिका होती है, जो आज़ादी के बाद पहली दफा त्रिपुरा में अगर भगवा लहराया था तो वो सुनील देवधर की वजह से लहराया था। सुनील देवधर वहां पर चुनाव प्रबंधक थे। इस बार कर्नाटक में चुनाव प्रबंधक मुरलीधर राव हैं, वे आरएसएस से हैं, वे बीजेपी में हैं, और मुरलीधर राव सबसे प्रमुख जिम्मेदारी में हैं। उनके ऊपर, अपने ऊपर के गणमान्यों से, अमित शाह से, पीएम मोदी से, वे जो रणनीति बन रही है 30 के 30 केंद्रीय मंत्रियों से, उसको लेने के बाद अपने नीचे के लोगों को उसे उसी रूप में प्रभावी रूप से अप्लाई करना होता है। तो वे कैसे कराते हैं, उनके नीचे कौन है, उनके नीचे चुनाव क्षेत्र प्रभारी, उनके नीचे जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है वो है चुनाव क्षेत्र प्रभारी। सभी 224 सीटों पर इस बार चुनाव क्षेत्र प्रभारी के तौर पर 224 सांसद लगाए गए हैं। भाजपा ने अपने चुनिंदा 224 सांसदों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आप वहां टच में रहिए चुनाव प्रबंधक से, मुरलीधर राव से, और उनसे उन रणनीति को लीजिए और अपने क्षेत्र में, जो उन्हें 224 क्षेत्र मिले हैं एक एक सांसदों को, उसमें कार्रवाई कराइए। इन चुनाव क्षेत्र प्रभारी के नीचे एरिया प्रमुख हैं। ये एरिया प्रमुख उनको कहा जा रहा है कर्नाटक चुनाव में, जो उम्मीदवार हैं, जो 224 बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वे चुनाव क्षेत्र प्रभारी और चुनाव प्रबंधक मुरलीधर राव से जुड़े हुए हैं। वे उन्हीं लोगों से बात करते हैं, दोनों लोगों से, और इनसे ऊपर एरिया प्रमुख इनसे ऊपर जाकर के बात नहीं करता है। एरिया प्रमुख यानी कि जो उम्मीदवार है, वो सीधे तौर पर जाकर के किसी केंद्रीय मंत्री से या किसी ऊंचे आदमी हाईकमान से बात नहीं करेगा, वो हर तरीके की बात 224 जो विधायक उम्मीदवार हैं वो क्षेत्र प्रभारी से करेगा, और जरूरत पड़ी तो वो चुनाव प्रबंधक से करेगा। इस क्षेत्र प्रभारी और एरिया प्रमुख के नीचे जिनकी तैनाती हुई है वो है बूथ प्रमुख। ये एक खास बात है जिसके लिए बीजेपी हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चर्चा में रही है, बूथ मैनेजमेंट। तो कर्नाटक में जो बूथ हैं वे करीब 50,000 हैं, कर्नाटक में बूथ 50,000 हैं, और हर बूथ के लिए एक बूथ प्रमुख की नियुक्ति की गई है। जितने भी बूथ, बूथ का मतलब होता है वो केंद्र जहां पर लोग आकर के वोट डालेंगे,
एक बूथ जहां पर लोग डालेंगे वोट, उसके लिए बीजेपी ने अपना एक आदमी नियुक्त किया है। इस बूथ प्रमुख के नीचे खास बात यह है कि ये बूथ प्रमुख अपने एरिया प्रमुख और चुनाव प्रबंधक के कॉन्टेक्ट में रहेगा, इसके अलावा वो किसी से बात नहीं करेगा। तो ये 50,000 लोग जिससे अपना काम कराते हैं, वे काम कराने वाले लोग हैं पन्ना प्रमुख। ये बीजेपी नया लेकर के आई है 2014 चुनाव से। हमने कई सारे उनके कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये अमित शाह लेकर के आए थे पन्ना प्रमुख बनाने का काम, और बीजेपी ने इस पर बहुत अच्छे से फोकस किया है। पन्ना प्रमुख, अमित शाह की पन्ना प्रमुख की रणनीति इतनी कारगर साबित हुई यूपी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कि अब वे इसे एक स्तर आगे लेके जा रहे हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि पन्ना प्रमुख में क्या है कि एक पन्ना जो वोटर लिस्ट का एक पन्ना होता है, उस पर जितने लोगों के नाम होते हैं, एक पन्ना प्रमुख उन लोगों के ऊपर काम करता है। अगर जो कर्नाटक की स्थिति है, कर्नाटक में ज्यादातर वोटर लिस्ट में एक पन्ने पर 100 लोगों के नाम है, तो ये जो पन्ना प्रमुख चुने गए हैं 450,300। बीजेपी ने कर्नाटक में 450,300 पन्ना प्रमुख चुने हैं। ये पन्ना प्रमुख लोगों के घर घर जाते हैं, उनके जिम्मे एक वोटर लिस्ट का कोई एक पन्ना होता है, उस एक पन्ने पे 100 लोगों के नाम होते हैं, वे 100 लोगों के घर जाते हैं, उनका दरवाजा खटखटाते हैं, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, उनसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वे बीजेपी को वोट करेंगे, क्या वे बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, वे किसे वोट करना चाहते हैं। तो वो ये आरोप भी लगा कि बीजेपी जब ये जान गई कि फलाने हमें वोट नहीं करेंगे, तो उन्होंने किसी एक ऐसे नेता को वहां से, उस क्षेत्र से उभारने की कोशिश की जो दूसरी पार्टियों के वोट काटे। तो इस तरह के आरोप भी लगे हैं, लेकिन ये तब संभव हुआ जब बीजेपी ने 450,300 पन्ना प्रमुख लगाए। लेकिन खास बात यह है कि इस पन्ना प्रमुख से भी बात नहीं बन पा रही थी, तो इस बार बीजेपी ने अर्ध पन्ना प्रमुख की रणनीति के बारे में सोचा। अर्ध पन्ना प्रमुख रणनीति यह है कि एक पन्ने पे 100 लोग हैं, उन 100 लोगों में भी, वो 100 लोग नहीं संभल रहे हैं, तो उन 100 लोगों में भी 50-50 लोगों के लिए दो और लोगों की नियुक्ति हो। ये पन्ना प्रमुख अपने बूथ प्रमुख से बात करते हैं, और ये पन्ना प्रमुख नीचे अर्ध पन्ना प्रमुख से बात करते हैं। 450,300 पन्ना प्रमुखों के नीचे 9,00,000 करीब, ये आंकड़ा है, करीब 9,00,000 अर्ध पन्ना प्रमुख बीजेपी ने कर्नाटक में लगाए हैं। ये 9,00,000 अर्ध पन्ना प्रमुख वे लोग हैं जो, अगर अगर दूसरी नजर से आप देखेंगे इसे, तो आप पाएंगे कि बीजेपी एक एक मतदाताओं के पीछे खड़ी है। हर एक मतदाता से हर रोज बीजेपी का कॉन्टेक्ट होता है, कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है। तो उस रणनीति से इस बार बीजेपी कर्नाटक में उतरी है। ये जो खाका हम आपको दिखा रहे हैं, और इस खाके के अलावा बीजेपी ने एक दूसरे स्तर की भी रणनीति तैयार की है। ये वो लोग हैं जो सीधे सीधे जो जनता से मुखातिब होते हैं, जो जनता से बात करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जनता से जानना चाहते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। अभी बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है, तो उसमें बताएगी ये, यहां से ये अर्ध पन्ना प्रमुख बताएगा उसे कि लोगों की समस्या क्या है। तो उस लोगों की जो समस्याएं उभर करके सामने आएंगी, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में उसको रखेगी, उस हिस्से की बात करेगी। एक दूसरा हिस्सा है इसका, बीजेपी के चुनाव प्रचार का दूसरा हिस्सा है, वो है चुनाव प्रभारी के तौर पर उन्होंने एक अपना हिस्सा लगाया है। चुनाव प्रभारी वे लोग होते हैं जो मीडिया से बातचीत करते हैं, जो मीडिया से संपर्क में रहते हैं, उसके लिए बीजेपी ने प्रकाश जावड़ेकर को चुना है। वे चुनाव प्रभारी के तौर पर भाजपा के लिए मीडिया से कर्नाटक के सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में करीब करीब 9,95,000 कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बीजेपी कर्नाटक में अपने 9,95,000 कार्यकर्ताओं को उतारे हुए है। इन सबके ऊपर आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बीएस येदुरप्पा, और भी जो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह सरीखे जो नेता हैं, वे वहां प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो इस रणनीति के साथ इस बार बीजेपी कर्नाटक में उतर रही है। इससे जाहिर होता है कि बीजेपी कर्नाटक को भगवामय करने की पूरी तैयारी कर चुकी है।
कर्नाटक चुनाव की जमीन से जुड़ी खबरों के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम कर्नाटक भी जा रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। पल पल की अपडेट के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज को लाइक करिए। नमस्कार।